बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज मैंने डाल दी, घी भी, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। इसका कलर ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालेंगे सब्ज मिर्च, इधर मैंने सिलेंडर रखा हुआ है कुकर, इसमें बकरे की गोश्त की यखनी बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालेंगे हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डालेंगे इसमें सुरख मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डालेंगे इसमें नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डालेंगे इसमें पानी, बनाने लगे हूँ। ये कद्दू है, ये चनों की दाल है। ये मैंने उबाल के पानी इसका निचोड़ दिता, पानी निचोड़ लिया। ये कद्दू धो के रखे हुए हैं। अब डालेंगे हम इसमें कद्दू, चुके। अब जो मैंने उबाल के रखी हुई सी दाल वो डालने लगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी करेंगे बनाई कद्दू, बस मामूली जो रह गया, बाकी तो सारा गल चुका। दाल भी मैंने उबाली हुई, मेरे भैन भरा जिधर भी रहो, खुश रहो, बाद रहो। अल्लाह आपको डेरो खुशियाँ नसीब हो, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे आपको और आपकी औलाद को।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, बेल के बटन भी दबा दिया करो। थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हांडी पक के तैयार होगी, मज़ेदार सी कद्दू दाल की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।